मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मुझको बस तू दिखा दे, मुझको बस तू दिखाई दे। और ये शेर भी पढ़ती हूँ, आप हजार से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा साथ दीजिएगा। पढ़ती हूँ कि मुझको तन्हाई अब सताती है, दिल पे मेरे गिराती है, मुझको तन्हाई अब सताती है, बर्फ दिल पर मेरे गिराती है, जिंदगी बन के लौट आओ तुम, जिंदगी बन के लौट आओ तुम, मौत आके मुझे दिखा, थोड़ा सा और बेदार हुई है ताकि वक्त मुशायरे का यह आखिरी हिस्सा और ज्यादा खूबसूरत हो जाए। चार मिसरे और पढ़ती हूँ, आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ, सुनिएगा। इश्क से रस्म व राह कर बैठी, एक छोटा गुनाह कर बैठी, इश्क से रस्म व राह कर बैठी, एक छोटा गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया सवारने के लिए, तेरी दुनिया सवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह, निकट आज यहाँ भी साबित हो गया कि लोगों से दूसरों का सुख नहीं देखा जाता, इतने मतलब खुश हो गए लोग सब देख कर अपनी दुनिया तबाह कर बैठे, इन्हें लगा कि दुनिया की एक औरत को कम से कम मर्दों के चक्कर में तबाह हुई। मैं चार मिसरे और पढ़ती हूँ जी। क्यों तबाह होते हैं औरतें किस तरह से होती हैं, पढ़ती हूँ जी, पढ़िए। एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए, मुझको बिगड़े हुए माहौल से डर लगता है, एक मामूली से मजदूर की बेटी हूँ मैं, मुझको बिगड़े हुए हालात से डर लगता है, लोग ससुराल बस यही सोच के मारा से डर लगता है, अच्छा इतने जहीन लोग हैं कि आप लोगों की समझ में सारी बात आ रही है, अच्छा लगा मुझे। मैं एक मतला एक दो शेर और पढ़ना चाहती हूँ, और ये सब नौजवान तबके के लोग बैठे हैं, हालांकि इधर भी मेरी नज़र में सभी नौजवान हैं, क्योंकि भूतपूर्व नौजवान और नौजवान में कुछ फर्क नहीं है। मैं एक मतला एक दो शेर पढ़ती हूँ गज़ल के, उसके बाद फिर जो मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ूँगी। जी असल में आप पूरी रात हंसे हैं, मैं तो अब हंस रही हूँ आपको देख देख कर। मैं पढ़ती हूँ। वैसे, वैसे भी निकल जब से आसाराम बापू का मामला सामने आया है, तब से कानून की नजर में भी नौजवानों की इज्जत बढ़ गई है। जी बिल्कुल सही जी। हमारे वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, आप सभी से साथ मांगती हूँ, सुनिएगा और आपसे भी, कि वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, वक्त की भीड़ में हरगिज़ नहीं खोने दूंगी, मैं तुझे
होगी। और ये शेर आप किस तरह सुनते हैं आपके हवाले करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। कि तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींद, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींद, तूने छीनी है मेरी आंखों से मेरी नींद, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी, मैं भी अब चैन से तुझको नहीं सोने दूंगी। असल में आपके मतलब की बात हो रही है तो आपको समझ में आ रही है। मैं पढ़ती हूँ ये शेर भी आपके हवाले करती हूँ, सुनेगा। कि तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तू मुझे भूल गया है तो कोई बात नहीं, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी, तुझको औरों के ख्यालों में न खोने दूंगी। जी बिल्कुल पढ़ती हूँ, मगर इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा मेरी समझ में आएगा। जी मैं पढ़ती हूँ, आएगा तो सुनेगा। कि तू मुझे भूल गया है, दरअसल आप अगर नया सुनेंगे तो शायद कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे, तो मुझे उसका भी ख्याल रखना है कि आप यहाँ से ना जाएं। तो मैं नया भी कुछ सुनाऊंगी, मगर मुझे ये शेर पूरा कर लेने दीजिएगा, सुनेगा। कि मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी, मैं हूँ मजदूर की बेटी ये कसम है मेरी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी, अपनी औलाद को पत्थर नहीं ढोने दूंगी। और जब ये हिंदुस्तान जिसमें हम, जिसकी मिट्टी में हम खेल कूद करके बड़े हुए, यहाँ पैदा हुए, उस हिंदुस्तान के हवाले से ये शेर आप तक पहुँचाती हूँ। आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं, इस शेर की हिफाजत कीजिएगा। पढ़ती हूँ कि ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, ये मेरा देश है इस देश के हर आंगन में, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मकता ही नहीं पढ़ती हूँ, छोड़ती हूँ यहाँ पर। यह गजल बिल्कुल नई है जो कि